सूरजकुंड धाम पर दीपावली के दूसरे दिन होने वाले दीपदान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसपास के लोग दीपदान में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। सोमवार शाम को सूरजकुंड सरोवर पर जैसे ही गंगा आरती के साथ दीपदान शुरू हुआ, उसी दौरान पोखरे पर दीप जलाती एक लड़की का पैर फिसल जाने से पोखरे में गिर गई। सुरक्षा के लिए पहले से ही सूरजकुंड पोखरे में मोटर बोट पर तैनात NDRF की टीम ने डूबती लड़की को देखा और एक्शन में आ गए। तत्परता दिखाते हुए डूब रही लड़की के पास पहुंचे और एक गोताखोर जवान ने पानी में छलांग लगाकर लड़की को पानी से बाहर निकाला। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सूरजकुंड धाम पर तैनात NDRF की टीम कमांडर गोपी गुप्ता ने कहा। देखिए, दीप महोत्सव पिछले 25 साल से चलाई जाती है, जिसमें लोकल प्रशासन के बल पर यहाँ पे NDRF की दो टीम डिप्लॉय की गई थी और उसमें हमारे प्रशिक्षित गोताखोर और प्रशिक्षित मेडिक्स भी उपलब्ध थे। और यहाँ पे प्रशासन द्वारा हमें अवगत कराया गया था कि जब भी यहाँ पे दीप का जलाने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, जिसके कारण से कोई ना कोई पानी में गिर जाता है। तो उस दौरान हमारी टीम एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में थी और उसी दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया, जिससे वो पानी में गिर गई। वो तुरंत हमारा गोताखोर वहाँ जंप लगाया और उस बच्ची को सही सलामत बचाया और वो अभी उस बच्ची को उसके घर वालों को सौंप दिया गया और उसको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।